टीवी पर रणविजय ने जैसे ही टीना को अवार्ड लेते देखा, उसने तुरंत ही रौनित से कहा, आज रात की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और अपना सूट जैकेट पहनने लग गया। ओके सर, रौनित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने रणविजय को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा था। रणविजय तेजी से अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस चलाते हुए अवार्ड सेरेमनी वाली जगह पर जाने लगा। उसके आगे आज पहली बार टीना को कोई अवार्ड मिल रहा था। इस वक्त वो टीना के बगल में खड़े रहना चाहता था। स्टेज पर खड़ी टीना चाहकर भी रणविजय को थैंक्स नहीं बोल पा रही थी। रणविजय के लिए वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस स्टेज से वो कभी कुछ कह नहीं सकती थी। टीना को इस बात का बहुत दुख हो रहा था। अवार्ड लेने के बाद टीना जब स्टेज से नीचे उतर रही थी तो पूरा हॉल एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टीना ने एक मॉडल के तौर पर देश का नाम रोशन करने का काम किया है। इस अवार्ड की असली हकदार वही है। अन्य सभी मॉडल्स को उससे सीख लेनी चाहिए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ टीना का ही नाम था। चारों तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आज का ये अवार्ड शो टीना की वाहवाही के साथ खत्म हुआ। फाइनली अवार्ड शो खत्म हो गया। अधिकतर लोग यहाँ से जा भी चुके थे, लेकिन टीना अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी। इस वक्त मुकेश की नजरें लगातार टीना पर बनी हुई थी। यहाँ तक कि जब टीना अवार्ड ले रही थी तब भी वो टीना पर नजर बनाए हुए था। अभी वो टीना के करीब जाना तो चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए यूसुफा के पास जाना ज्यादा जरूरी था। कहीं यूसुफा उन दोनों के रिलेशन की सारी बात ओपन ना कर दे। रात हो चुकी थी। टीना बाहर निकली। वहां उसकी कार के पास खड़ी रितिका उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर रितिका मुस्कुरा पड़ी और दौड़कर टीना को अपने गले से लगा लिया। टीना, कांग्रेचुलेशंस, पता है मैं बहुत खुश हूँ आज। रितिका, तुमने भी बहुत मेहनत की है, टीना ने रितिका को थैंक यू बोलते हुए कहा। रितिका ना होती तो शायद टीना के लिए यूसुफा को सबक सिखाना नामुमकिन होता। अच्छा बात बंद करो, रणविजय सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी घर चलो, वो तुम्हें कहीं ड्राइव पर ले जाने वाले हैं, रितिका ने टीना को आंख मारते हुए कहा। टीना जाकर कार में बैठी तो देखा पीछे की सीट पर रणविजय बैठा हुआ था। पहले दोनों रितिका के घर गए। वहां रितिका को छोड़ने के बाद दोनों मुंबई की सड़कों पर फर्राटे भर रहे थे। टीना काफी इमोशनल हो रही थी। उसने अपना सिर रणविजय के कंधे पर टिका रखा था और उसे अपने दोनों हाथों से जकड़ रखा था। तुम पूछोगी नहीं मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूँ, रणविजय ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। कहीं भी ले चलो अच्छा ही होगा, टीना ने रोड की तरफ देखते हुए कहा। एक बात बताओ, तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो? मतलब मैं तुम्हें देखना चाह रही थी और तुम खुद ही मुझे पिक करने आ गए। जान, ये दिल का मामला है, सब पता चल जाता है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टीना मुस्कुराने लगी और फिर रणविजय से बोली, अच्छा कहीं सुनसान देखकर गाड़ी रोको। क्या, क्यों, मुझे किस करना है, टीना ने रणविजय के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहा। रणविजय ने फिर से टीना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। परेशान मत हो, हम बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रणविजय ने गाड़ी मुंबई के किसी बीच पर ले जाकर रोक दी। यहाँ से सारा मुंबई शहर दिख रहा था। उसके सामने विशाल और बिल्कुल शांत समंदर की लहरें। समंदर के इस किनारे से दौड़ती भागती मुंबई को देखकर काफी सुकून मिल रहा था। दोनों गाड़ी के बोनट पर बैठकर इस विहंगम दृश्य का आनंद ले रहे थे। डोंट वरी, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, रणविजय ने कहा। टीना ने रणविजय के गले में हाथ डाला और फिर उसे खुद की तरफ खींचते हुए अपने होठों को उसके होठों पर ले जाकर टिका दिया। रणविजय ने टीना की कमर को पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया और फिर अपने होठों पर जोर लगाते हुए टीना के होठों का रस पीने लगा। दोनों एक दूसरे की सांस को महसूस कर रहे थे। बेबी, अब तुम्हें अवार्ड मिल गया है तो क्या मैं भी तुम्हें कोई रिवॉर्ड दे सकता हूँ, रणविजय ने टीना से पूछा। टीना ने रणविजय के कानों के करीब किस करते हुए कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। रणविजय जोर से हंस पड़ा। तुम्हें यहाँ कार के बोनट पर करना है, बेड पर मजा नहीं आता क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रहो साथ में। टीना के मुंह से ये शब्द सुनकर रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इसके बाद उसने कार के सारे शीशे चढ़ा दिए और खुद टीना के ऊपर लेट गया। टीना के लबों को चूमते हुए रणविजय उसे प्यार के मीठे एहसास का आनंद दिलाने लग गया। आज टीना भी काफी एक्साइटेड लग रही थी। वो रणविजय के हर स्टेप का खुलकर स्वागत कर रही थी। आज वो भी रणविजय के शरीर का सारा सुख लूट लेना चाहती थी। रणविजय ने टीना के बदन को नंगा कर दिया था।
लेकिन कार की सीट की ओर टीना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो रणविजय ने उसकी नंगी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी यहाँ ठीक नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम घर चलते हैं अपने बेडरूम में। ओके, टीना ने रणविजय के गले पर किस करते हुए कहा। उधर यूसुफा को हॉस्पिटल में गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। क्रिएटिव सेंचुरी ने अपने कुछ लोगों को भेजकर यहाँ से मीडिया को दूर रखने का ऑर्डर दिया हुआ था। यूसुफा के साथ यहाँ उसका असिस्टेंट भी था। यूसुफा अब थोड़ी ठीक थी, लेकिन उसका चेहरा काफी थका हुआ दिख रहा था। पानी, पानी। यूसुफा के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका असिस्टेंट दौड़कर उसके लिए पानी ले आया। ये लो पियो। अब यूसुफा को हल्का होश आ रहा था। उसने अपनी आंखें हल्की हल्की खोलते हुए अपने असिस्टेंट से पूछा, अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई, तुम ज्यादा मत सोचो, अभी बस आराम करो, उसके असिस्टेंट ने यूसुफा को समझाते हुए कहा। टीना, क्या टीना जीत गई? यूसुफा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। यूसुफा ऐसे परेशान मत हो, मैं प्रणय सर से बात करता हूँ, असिस्टेंट ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हें लगता है कि वो मुझे देखने आएगा, यूसुफा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। वो और मुकेश दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मेरे साथ गेम खेला है। वो टीना तो बहुत बड़ी कमीनी निकली, पता नहीं साली ने कौन सा खेल खेला कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड जीत ले गई, असिस्टेंट ने कहा। जैसे यूसुफा ने टीना के अवार्ड जीतने की खबर सुनी, उसे धक्का लगा, उसका दिमाग फिर से सुन्न हो गया। अवार्ड? अवार्ड? यूसुफा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने बैग से फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को पकड़ाते हुए कहा, इसमें प्रणय और मुकेश के बीच हुए अग्रीमेंट की फोटो है, इसे मीडिया में रिलीज कर दो और बोलो कि इस अग्रीमेंट के चलते ही मुकेश ने जजेस को घूस देकर टीना को ये अवार्ड दिलवाया है। अगर मैं बर्बाद हो रही हूँ तो सब बर्बाद होंगे, मैं सबको खत्म कर दूंगी। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा मिस्टर मुकेश के साथ भी रिश्ता खराब हो जाएगा, उनकी भी सारी बात सामने आ जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। भले ही हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएं और हमें ये इंडस्ट्री छोड़ के जाना पड़े, लेकिन अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के चक्कर में हमें खुद को तबाह नहीं करना चाहिए, यूसुफा के असिस्टेंट ने उसे समझाते हुए कहा। अभी तुम इस इंडस्ट्री को लगता है समझ नहीं पाए हो, तुम्हें क्या लगता है अब मैं फेल हो गई हूँ और मुकेश मुझे ऐसे ही जाने देगा? कभी नहीं, इसलिए अभी मेरे पास सबूत है और उसके कुछ करने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा, तभी मैं सेफ रहूंगी, यूसुफा ने जवाब दिया। क्या तुम सच में ये करने वाली हो? मैं अपने साथ ही टीना और प्रणय को भी बर्बाद होते देखना चाहती हूँ, यूसुफा की आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ देखी जा सकती थी। अब उसके असिस्टेंट के पास कोई सुझाव नहीं था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है फिर मैं इंतजाम करता हूँ। यूसुफा के असिस्टेंट को ये डर था कि कहीं प्रणय और मुकेश मिलकर यूसुफा को ब्लैकमेल ना करें, इसलिए उसने पहले अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर यूसुफा को कहीं अनजान जगह पर ले जाकर कमरे में छिपा दिया। इसके बाद उसने मीडिया के कुछ करीबी लोगों की मदद से यूसुफा के द्वारा बताए गए स्टेटमेंट को रिलीज करने का प्लान बनाया, ताकि न्यूज रिलीज होने के पहले कोई बड़ी कंपनी से रोकने की कोशिश ना करे। पीजी ग्रुप की मॉडल का एक और कारनामा, टीना ने जजेस के साथ सोकर जीता स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड, फैशन इंडस्ट्री की सबसे दागदार कंपनी बनी पीजी ग्रुप। न्यूज में इस तरह की हेडलाइंस आनी शुरू हो चुकी थी। पीजी ग्रुप और जजेस के बीच होने वाले अग्रीमेंट की खबर सुबह तक पूरे मुंबई में फैल चुकी थी। अग्रीमेंट में यूसुफा के साथ टीना और पीजी ग्रुप के सभी न्यू कमर मॉडल्स का भी जिक्र था। न्यूज के आने के बाद लोगों को लगने लगा कि टीना और यूसुफा दोनों को ही अवार्ड जज मुकेश सिन्हा की बदौलत ही दिया जा रहा था, जबकि दोनों ही अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं थी, दोनों ही जज मुकेश सिन्हा के साथ सोई थी। कुछ ही देर में पूरे इंडस्ट्री में ये खबर फैल चुकी थी। पीजी को लोग दलाल का नाम दे रहे थे, वहीं टीना और यूसुफा को लोग स्लट बोल रहे थे। उधर मुकेश सिन्हा की भी खूब थूथू हो रही थी। पीजी और यूसुफा के इस कांड में इन्वॉल्व होने पर लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, लेकिन टीना का नाम सुनकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। आखिर अभी कल रात को ही उसे अवार्ड मिला है और सब उसकी तारीफ कर रहे थे, अब अचानक से इस तरह की बात। इस वजह से लोग टीना को लेकर ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उधर ऑफिस में बैठा प्रणय भी आग बबूला हो रहा था।
उसे अंदाजा हो गया था कि उसके सबसे करीब यूसुफा ही थी और उसी ने ये एग्रीमेंट चुराया है। लेकिन यूसुफा ने ऐसा कैसे कर दिया, इससे तो वो खुद भी बर्बाद हो गई। उस न्यूज के आने के बाद पीजी ग्रुप एकदम खत्म था। सालों की बनी बनाई इज्जत और रेप्यूटेशन सब एक झटके में खत्म। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि यूसुफा ने भले ही ये एविडेंस दिया है, लेकिन उसका नाम भी इसमें शामिल है, यानी कि करियर तो उसका भी खत्म है। पीजी ग्रुप में स्टाफ ने अपना रिजाइन देना शुरू कर दिया था। कंपनी के हायर अथॉरिटी भी परेशान हो चुकी थी। प्रणय अच्छे से जानता था कि जैसे ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सबसे पहले उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। गुस्से से लाल होते हुए प्रणय ने यूसुफा को फोन करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन उठ नहीं रहा था। यहाँ तक कि वो भागते हुए हॉस्पिटल भी गया, लेकिन वहां भी उसे यूसुफा नहीं मिली। यूसुफा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अंत में हार कर प्रणय ने यूसुफा के असिस्टेंट को फोन किया और फिर उसने प्रणय की बात यूसुफा से करवाई। हाँ प्रणय, कहाँ है तू साली, मिल मुझसे वरना जान ले लूंगा तेरी। प्रणय गुस्से में पागल हो चुका था। ओ, मार दो मुझे, तुम्हें लगता है मैं अब मरने से डरती हूँ, यूसुफा ने आराम से जवाब दिया। तुम मुझे बेचने जा रहे थे तो क्या उसके बदले मैं तुम्हें इतना भी कष्ट नहीं दूंगी। थैंक्स प्रणय तुम्हारे इस रिलेशनशिप के लिए। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, मैं तो बर्बाद हो ही गई हूँ, लेकिन अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे तुम हो, वो मुकेश हो या फिर वो कमीनी टीना। तुम पागल हो चुकी हो। पागल? कल रात वहां स्टेज पर मुझे मिस कैरेज हो गया, तब से मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और तुम एक बार भी मेरा हाल जानने आए, जबकि मैं तुम्हारा ही बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। तुम्हें जरा सी भी दया आई मेरे पर? मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, सो प्लीज मुझे निर्दयी मत कहो। ये कहकर यूसुफा ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान देखी जा सकती थी। गुस्से में प्रणय ने ऑफिस में पड़े सामान को फर्श पर फेंक कर तोड़ना शुरू कर दिया। अगर उसने टीना के साथ धोखा ना किया होता और उससे शादी कर ली होती तो आज उसे ये सब देखना ही नहीं पड़ता। उधर टीना ने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा कलंक उसे झेलना पड़ रहा है। लोग उसे स्लट, फ्रॉड और न जाने कैसी कैसी भद्दी गालियां दे रहे हैं। प्रणय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर मुकेश ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया था, वो किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं था। उसके इस रिएक्शन से लोगों को लग रहा था कि सही में टीना और यूसुफा अवार्ड जीतने के लिए उसके साथ सोई थी। मीडिया को काम ही क्या है, वो बस खुद से ही अनुमान लगाकर खबरें दिखाई जा रही थी। टीना अपने घर में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अपने बारे में सारी झूठी न्यूज देखकर उसे बहुत धक्का लगा था। उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ गए थे। रणविजय उसे अपनी बाहों में भरते हुए समझाने लगा। टीना अब हम क्या करें, रितिका ने परेशान होते हुए पूछा। यूसुफा के सिर पर तो भूत सवार है, वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। लगता है उसे अब अपनी ही परवाह नहीं है। मैंने यूसुफा को उकसाया था, मेरी भी गलती है, टीना ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। लेकिन यूसुफा का कुछ पता नहीं चल रहा और मुकेश का भी कुछ पता नहीं चल रहा। प्रणय को तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। उधर पूरा सबूत भी मीडिया के हाथ लग चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने कैसे ये सब हो गया। टीना ने कभी भी नहीं सोचा था कि प्रणय और मुकेश इस तरह की भी हरकत कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, या तो हम प्रणय और मुकेश पर डिपेंड रहें या फिर अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर दें, रणविजय ने कहा। देखो, बेस्ट यही है कि हम मुकेश को ढूंढें, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि वो इंडिया छोड़कर बाहर जा चुका है। सो अब बचा प्रणय, सिर्फ उसी को पता है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी और क्या समझौता हुआ था। लेकिन अगर मैं प्रणय से बात करूंगी भी तो भी वो मेरी हेल्प क्यों करेगा, टीना ने बीच में कहा। किसने कहा कि तुम उससे बात करोगी, मैं जाऊंगा बात करने उससे। मेरे बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास, और मैं उससे आरआर इंटरनेशनल का सीईओ बनकर बात करने नहीं जा रहा, मैं उससे बस तुम्हारे हस्बैंड के तौर पर बात करूंगा। टीवी पर रणविजय ने जैसे ही टीना को अवार्ड लेते देखा, उसने तुरंत ही रौनित